हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल वाइब्स एंड मोर विद नास। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की ईद भी अच्छी गई होगी। जी हाँ, मेरी भी काफ़ी अच्छी गई, बहुत दावतें खाए और मूवी भी देखने गए थे, बट हम बच्चों को कहीं घुमा नहीं पाए तो हमने सोचा है कि आज ईद का फिफ्थ डे है तो हम कहीं बच्चों को लेके जाएंगे। सो वी आर गोइंग टुडे मनोरी बीच। पहले हम अभी 4 बज रहे हैं दोपहर के, तो अब हम निकल रहे हैं, हमने कैब बुक कर लिया है, नीचे जा रहे हैं। सो पहले हम मारवे बीच जाएंगे और मारवे से हम बोट लेके मनोरी जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मारवे बीच। लोग अभी निकले, पहुंच गए बेटा, पहुंच गए। हियर देयर आर सो मेनी बोट्स, विल हैव फन। अब हमें यहाँ से मनोरी जाने के लिए बोट मिलेगी। आज का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, धूप भी है और हवा भी चल रही है, तो इतना गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। सो हमारी बोट आ चुकी है मनोरी से, लोग आ चुके हैं मारवे आने के लिए, तो ये लोग पहले उतरेंगे फिर हम चढ़ेंगे। सो ऑल आर वेरी एक्साइटेड, माशाल्लाह। तो अब मैं ये खट्टे आंवले खा रही हूँ जिसमें अंकल ने बहुत अच्छा नमक मिर्च लगाया है, और ये नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो मारवे से मनोरी की जर्नी है वो हार्डली 2-3 मिनट्स है, तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाते हैं। सो अब हम पहुँचने ही वाले हैं बस। सो यहाँ पर यूजुअली ऑटो और घोड़ा गाड़ी रहती है जो हमें अंदर मनोरी बीच लेके जाती है। सो आज घोड़ा गाड़ी है नहीं, तो हम ऑटो से जाएंगे मनोरी बीच अंदर। हम पहुंच चुके हैं मनोरी बीच और काफ़ी छोटी सी जर्नी थी, 5-6 मिनट्स लगे हमें पहुंचने के लिए यहाँ पर बीच पे। तो ये प्लेस बहुत ज़्यादा सुकून वाली है, बहुत लेस क्राउडेड प्लेस है, बहुत कम लोग आते हैं। एक्चुअली ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है प्लेस के बारे में, पूरी गोवा वाली वाइब आती है क्योंकि कोकोनट ट्रीज भी है जगह जगह यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी प्लेस है, अगर आप कभी नहीं आए हो तो ज़रूर आना यहाँ पर। कपड़े भिगा दिए, दिखाओ। नहीं, कपड़े नहीं भिगाए। सो यस, हमें घोड़ा गाड़ी मिल चुकी है जो हमें बाहर बोट तक लेके जाएगी। अब हम बैठ चुके हैं बोट में और बोट से हम जाएंगे मारवे, और वहाँ पर जाके हम कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि हमने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है।
सो अब हम मारवे बीच पे है और यहाँ पर फिश फ्राई, पानी पूरी, गोला, वड़ा पाव, बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं। तो अब हम पहले फिश फ्राई खाएंगे। सो मैंने ये लिया है प्रॉन्स फ्राई और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी रहता है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये आइटम ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद हमने चीज़ तंदूरी कॉर्न खाया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ का वड़ा पाव भी बहुत टेस्टी है। और अगर आप बीच पे आते हो तो आप काला खट्टा गोला और कुल्फी तो ज़रूर खाते हो, तो हमने भी वो खाया और बहुत मज़ा आया। सो अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय, स्टे हैप्पी।